Assalamualaikum guys, what's up and welcome back to another most requested video Infinix Zero X Pro का PUBG test. Yes, आज हम करने वाले हैं Infinix Zero X Pro का PUBG test और मैं काफी ज्यादा excited हूँ इसका PUBG test करने के लिए. उसकी main वजह यह है कि इसमें dual chip है, एक तो G95 है, साथ dual chip है और बेसिकली लगाई गई है डेडिकेटेड गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए. तो आज इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे, पबजी टेस्ट करेंगे, देखेंगे फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें कैसे निकल के आती हैं, डिवाइस सीटअप तो नहीं कहीं हो जाती, सारी चीज़ें यहां पर चेकआउट करने वाले हैं, इसका N22 स्कोर कितना निकल के आने वाला, सारी चीज़ें चेक करेंगे. सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी Infinix Zero X Pro को परचेज करने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि इस डिवाइस के रिलेटेड, गेमिंग के रिलेटेड इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं. अभी टेबल पर चलते हैं और अभी टाइम वेस्ट नहीं आपको ज़्यादा करते और टेबल पर जाके इसका PUBG टेस्ट स्टार्ट करते हैं. सो गाइस ये है जी हमारी PUBG, यहाँ पर मैंने FPS मीटर को लगा लिया है और यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफिक्स चेकआउट करवा दूँ, इस टाइम मैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा के ऊपर खेलूँगा और देन नेक्स्ट चल के हम ग्राफिक्स को चेंज करेंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है. बेसिकली ये 40 FPS वाला सीन है और यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर आगे चल के क्या सीन आता है, फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा. मैं एक छोटे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर भाई, ये देखें ना. साथ हम ये भी चेकआउट करेंगे कि जायरो किस तरह वर्क करती है. भाई बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है भाई इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी है. साथ ही यहाँ पर जायरोस्कोप की बात कर ली है तो जायरो यहाँ पर अवेलेबल है. यहाँ पर भाई इसको पहले ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि जायरो की परफॉर्मेंस कैसी है. बेसिकली इसको मैंने ऑफ करके आगे सारी गेम्स खेल रहा था तो इसको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं जायरो की कनेक्टिविटी कैसी निकल के आती है, जायरो में डिले है, कोई लैग वगैरह है कि नहीं है, वो सब कुछ चेकआउट कर लेते हैं. यहाँ पर फ्रेम की बात कर ली है तो अभी तक मुझे एज सच सो कोई इशू देखने को नहीं मिला. सर यहाँ पर ग्राफिक्स की बात कर ली है तो यहाँ पर हाँ अच्छे कलर निकल के आ रहे हैं भाई. भाई ये तो सामने ही है. देखे मेरे से डायरेक्ट टू डायरेक्ट पंगा नहीं लेना भाई. यार ये तो सांप के बच्चे हैं पूरे अगली टीम वाले, लाइक सारे सांप बन के खेल रहे हैं. कोई कहाँ छुपा हुआ है, कोई कहाँ छुपा हुआ है. ये देखो ये इधर छुप के मार रहा है. हाँ देखो मारेंगे मुझे. सो गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, जायरो की, और यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप हुए हैं कि नहीं हुए. बेसिकली ये फर्स्ट मैच है तो यहाँ पर कोई भी फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला और ना ही मुझे यहाँ पर जायरो में डिले देखने को मिला है. और अभी तक जायरो भी परफेक्ट वर्क कर रही है और यहाँ पर डिवाइस में लैग वगैरह भी नहीं देखने को मिला, विच इज़ क्वाइट गुड. और भाई यहाँ पर बाहर तो निकलने दो भाई, हमारे घर में घुस के मार रहे हैं ये. यार ये तो गलत बात है ना, इस तरह तो गलत है भाई. यहाँ पर एक TDM मैच तो ख़त्म हो गया है जिसमें बुरी तरह से हमें शिकस्त हुई है. यार यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी एक्चुअल में परफॉर्मेंस, जायरो डिले हुआ कि नहीं हुआ, ग्राफिक्स कैसे हैं, वो सारी की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं फ्रेम्स की. तो यहाँ पर ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला, इवन कि जब मैं 3-4 एनिमीज़ के बीच भी गया हूँ तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप देखने को नहीं मिला, विच इज़ क्वाइट गुड लिटरली. और साथ में बात करते हैं यहाँ पर जायरो की, तो जायरो भी अच्छी तरह वर्क आ रही थी. पर यहाँ पर एक गेम प्ले के बाद बात कर ली है टेम्परेचर की, तो इस टाइम टेम्परेचर है अराउंड इस टाइम 40 के आसपास, 39-40 के आसपास डिवाइस की डिस्प्ले का टेम्परेचर है. और बैक साइड की बात कर लिए तो बैक साइड पर अराउंड टेम्परेचर है 38 के आसपास. तो गाइस यहाँ पर हमने एक और TDM मैच लगा ली, लेकिन हमने ना ये वाला TDM का जो छोटा भाई है ना, जो नेम वाला है, वो लगाया हमने. और यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेकआउट कर लेंगे. वो लगता है हमारे घर हैं और हम इनके घर आ रहे हैं. भाई बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क आ रही है, जायरो भी अच्छे तरीके से वर्क आ रही है और साथ में यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है बुल्ट्स की वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क आ रही है. भाई ये इनको पीछे से मारूंगा मैं. ओहोश भाई मर ही नहीं रहा, लाइक हमारी गोलियां प्लास्टिक की हैं. भाई ये जा रहा है एक चोर था हमारे घर. यहाँ पर भाई ये तो सो गाइस यहाँ पर हम ग्राफिक सेटिंग को चेंज कर लेते हैं, HDR हाई के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रेम ड्रॉप होता है कि नहीं होता, वो भी सारी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं. यहाँ पर HDR हाई के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कैसे निकल जाता है. वेल ग्राफिक्स बहुत प्यारे हैं, अगेन चेकआउट करते हैं ये यहाँ पर किस तरह का सीन निकल के आता है. भाई सही नहीं थी लग रही मेरी गोली. अच्छा जी आजा भाई तू आजा सामने आ, सामने आ, ऐसे नहीं सामने आ, ऐसे 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 आ सामने ज़रा ना.
मैं थोड़ी सी रीलोडिंग कर लूँ फिर तुझे बताता हूँ जाके। वेट कर मेरा। हाँ इधर छुपा हुआ है, मुझे पता है इधर भाई। ओह माय गॉड, पर यहाँ पर हमारे मैच ना काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहे हैं। अगली टीम हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर के मिल रही है। भाई जान लाइक प्रो बन गया मैं तो भाई। यार वैसे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि अपनी टीम को जुताया जा सके, लेकिन भाई अब नहीं जीत सके तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपके भाई की 15 किल्स हैं और किसी की 10 भी नहीं है। खैर किल्स को भी एक साइड पे करते हैं, बात करते हैं पबजी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आई है इस डिवाइस में। सो गाइस बेसिकली इस डिवाइस में पबजी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बेसिकली इसमें डुअल चिप है G95 के साथ, एक और चिप है जो कि बूस्ट करती है गेमिंग को। और वाकई मैंने एक्सपीरियंस देखा है, मैंने बेसिकली G95 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस में गेमिंग की है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में की है और भी काफ़ी ज़्यादा फोन्स में G95 है, लेकिन इसमें जो G95 है उसकी परफॉर्मेंस मुझे एनहेंस लगी है एज़ कम्पेयर टू बाकी डिवाइसेस के। अगर इसके टेम्परेचर की बात कर लीजिए तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिखा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइट मैंने वो ज़रा वो बना हुआ था लो लाइट वाला वो सीन मैं कर रहा था। सो यहाँ पर लाइट लगाते हैं, यहाँ पर इसको फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं। सो दूसरी गेम प्ले के बाद जो टेम्परेचर निकल गया है वो है बैक साइड का अराउंड 39 डिग्री के आसपास, और फ्रंट साइड की बात कर लेते हैं जी। फ्रंट साइड पर जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 40 के आसपास, तो टेम्परेचर वही नॉर्मल है। यहाँ पर बात कर लीजिए जायरो की, तो जायरो परफेक्ट तरीके से वर्क किया है। फ्रेम ड्रॉप की बात करें तो मुझे आपको मैंने FPS मीटर लगा के दिखाया है तो फ्रेम ड्रॉप भी मुझे देखने को नहीं मिले। तो ऑल इन ऑल बात करें इस डिवाइस में गेमिंग का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब G95 है बेसिकली, अब G95 से स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस तो आपको मिलने नहीं वाली, लेकिन है जो भी G95 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इन्फिनिक्स 0X प्रो के रिगार्डिंग, पबजी के रिगार्डिंग, कैमरा के रिगार्डिंग, या ओवरऑल आपके क्या एक्सपीरियंस है कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। इसका कैमरा रिव्यू भी चैनल पर अपलोडेड है, कोशिश करूंगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए या आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।